गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसे आगे करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बारिश हो रही है लगातार 2 दिन से, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो मुझे बता देना, आई कैन रिकॉर्ड फर्दर। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी ये वैलिड होंगी। दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, विच डिपेंड्स अपन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड अपन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सम प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में भी यही सारी चारों प्रॉपर्टी पढ़ रखी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ रखी हैं। अब देखो, अब हम इसको क्यों बोलते हैं? देखो, हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए प्रेफर करती हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशंस। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। इस वजह से स्ट्रिक्टली हम कहेंगे कि ये सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जो डिपेंड करेंगी, वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होंगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ये एक्यूरेट रिजल्ट आप लोगों को नहीं देंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व उस केस में नहीं होंगी। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ट्रू व्हेन द सॉल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर। जब आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर होगा, बिकॉज इफ़ द सॉल्यूट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? वो डिसोसिएट और मे बी एसोसिएट। अगर वो डिसोसिएट हो जाएगा तो आयंस के अंदर टूट जाएगा, और ऑन ईच आयन बिहेव एज ए पार्टिकल इटसेल्फ, हर आयन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको वो अफेक्ट करेगा। इस वजह से फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। तो लोअरिंग ऑफ प्रेशर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने राउट्स लॉ पढ़ा था। जब हमने राउट्स लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था कि पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस पीएस, पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, एक्स टू। और एक्स टू की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये कैसे ड्राइव करेंगे इस रिलेशन को। अब देखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कह रहा है, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कहेंगे? अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, विच इज़ इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। अगर आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है तो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपेरिजन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एन टू डिवाइड बाई एन वन, और एन टू एन वन क्या नंबर ऑफ मोल्स ही तो हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड करती है। यानी कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। दैट्स वाई इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और किसी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सिर्फ नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से दिस इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हम करेंगे? तो देखो, द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर आर क्लासिफाइड इन टू स्टैटिक एंड डायनेमिक मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, जो कि क्या करता है, दीज मेथड कुड बी यूज टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एंड हैंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम क्या करेंगे,
मतलब ऐसे स्टैटिक और डायनेमिक हमारे पास जो मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट को भी मेज़र करते हैं और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को भी मेज़र करते हैं। इस वजह इस तरह से पी नॉट में से पी एस माइनस कर देंगे हम आप तो वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी मेज़र कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी हैं जो सीधा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी मेज़र कर सकते हैं। उनमें से कुछ मेथड कॉमनली यूज मेथड हमारे पास में है ओस्टवाल्ड एंड वाल्कर डायनेमिक मेथड हैं, जिसको हम ट्रांसपिरेशन मेथड भी बोल देते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये डायग्राम है इसका, ये पूरा इसी के अंदर है सब कुछ। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ड्राई प्योर ड्राई एयर जो है, प्योर ड्राई एयर है उसको पास आउट करेंगे पहले सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्वेंट के अंदर से पास आउट करेंगे, फिर हम उसको अनहाइड्रस CaCl2 के अंदर से पास आउट करेंगे। तो क्या होगा, देखो जब प्योर ड्राई एयर को हम सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट कर रहे हैं तो द प्योर ड्राई एयर पार्टिकल्स जो होंगे वो सैचुरेटेड हो जाएंगे बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो सैचुरेटेड हो जाएंगे बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टिल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ड्राई एयर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उससे जब तक वो सैचुरेट होते रहेंगे। एज अ रिजल्ट रिजल्ट क्या होगा कि अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से सैचुरेट हो गए आपके ड्राई एयर के मास, उसने उसका वेपर प्रेशर ले लिया है ड्राई एयर पार्टिकल्स ने सॉल्यूशन का, तो इस वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन के जो बल्ब के अंदर जो वेट है, सॉल्यूशन बल्ब के अंदर जो वेट है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वेट का। अब वेट लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आप लोगों को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जितना ज़्यादा वेट लॉस होगा बल्ब का यानी कि उतना ही उसका सॉल्यूशन का क्या था, वेपर प्रेशर, या अपोजिट लिप्स को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना था उतना ही क्या होगा, वेट लॉस होगा सॉल्यूशन बल्ब का, ठीक है। तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब हमने W1 मान लिया और वेपर प्रेशर PS है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब क्या होगा, ड्राई एयर सॉल्यूशन से पास आउट होने के बाद कहाँ जाएगी, सॉल्वेंट के अंदर जाएगी, तो सॉल्वेंट के अंदर जाएगी तो हमें ये पता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर रहा, तो ऑफकोर्स सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब क्या करेगी, वो जो ड्राई एयर जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, वो समवट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी सैचुरेटेड हो जाएगी, उसके वेपर प्रेशर को वो गेन कर लेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऑफ कोर्स तो क्या होगा, सॉल्वेंट बल्ब का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बल्ब का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लॉस, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट बल्ब का वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको हमने W2 मान लिया। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा क्यों, क्योंकि ड्राई एयर ऑलरेडी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन से क्या थी, सैचुरेटेड थी, तो वो उतने ही वेट को, तो उतने ही वेपर प्रेशर को तो वो गेन कर पाएगी जितना डिफरेंस बचेगा दोनों के बीच में, ठीक है। यानी कि PS, अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया है, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 था, लेकिन पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W2, W क्या है, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। अब इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ऐड किया तो क्या हो गया, PS प्लस पी नॉट माइनस PS इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब PS से PS क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया, पी नॉट बच गया, यानी कि पी नॉट हमारा किसके बराबर आ गया, W1 प्लस W2 के बराबर आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट माइनस PS डिवाइड बाई पी नॉट। अब पी नॉट माइनस PS हमारा किसके बराबर आया, W2 के, और पी नॉट हमने अभी निकाला, पी नॉट हमारा किसके बराबर आ गया, W1 प्लस W2 के, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी किसके बराबर आ गई, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब डिवाइड बाई टोटल लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब प्लस सॉल्वेंट बल्ब, ठीक है। अब हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, हमने अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हमने क्या किया है, वाटर ड्राई एयर वाटर से पास आउट होने के बाद कैल्शियम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बल्ब से भी पास आउट हो रही है। देखो पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बल्ब से पास हो रही है। अब अगर हमारा जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट है वो वाटर है,
तो अनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, जितना भी वाटर ड्राई एयर के अंदर जितना भी वाटर होगा उसको सारे को वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा सारे के सारे वाटर को, ठीक है। देन इंक्रीज इन द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब्स। अब क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब्स का वेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने क्या किया, ड्राई एयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर था जितना भी वाटर था उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सारे सॉल्वेंट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऑफ कोर्स P0 - PS डिवाइड बाई P0। अब P0 - PS की तो वैल्यू हमारे पास में W2 आ गई ना ऊपर वाली इक्वेशन से, P0 - PS की वैल्यू W2 ये रही, ठीक है। अब P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू W3। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो तरीके हमारे पास में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट फ्रॉम द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट्स ला हमने पढ़ रखा है, वो होता है हमारा P0 - PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 + N2। ये सारी टर्म्स आप लोगों को पता है, P0 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और N2 क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमारे पास में है तो N1 के कंपैरिजन में हम N2 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं N1 के कंपैरिजन में। तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी P0 - PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। हमने नीचे वाले N2 को नेगलेक्ट कर दिया N1 के कंपैरिजन में क्योंकि वो बहुत ही कम होगा ना। अब N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से N1 को भी हमने सॉल्व कर दिया तो वो भी ऐसे हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमें W1 की वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। तो हमें हम गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा टॉपिक था डिटरमिनेशन ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा ऊपर से आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो हम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा से समझा सकती हूँ, देखो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई P0 - PS ये वाली, P0 - PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू W2 × M2 डिवाइड बाई W1 × M1। P0 - PS डिवाइड बाई P0 ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से अभी भी निकाल लिया। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हमें पता है उसका मॉलिकुलर वेट 18 ग्राम होगा, ठीक है। W2 भी हमें पता है, ऊपर एक्सपेरिमेंट से हमने निकालेंगे कितना वेट लॉस हुआ सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। तो W2 भी हमें पता है, W1 भी हमें पता है। हम ये सारे इक्वेशन में पुट करके M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में आ जाएगा। और इस तरह से हमें नेचर मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा सॉल्यूट कौन सा था, ठीक है। आज हम यहीं तक कर लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, ईजी हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। जैसे एक न्यूमेरिकल हम कर भी लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 °C है 17.51 mm, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी कि किसकी वैल्यू है, P0 की वैल्यू है ये। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज दिस। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, P0 - PS डिवाइड बाई P0 नहीं, वो रिलेटिव लोवरिंग हो जाता है। तो P0 - PS की वैल्यू भी इन्होंने आप लोगों को दे रखी है 0.0614, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा क्या क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत ईजी है, क्या होती है, P0 - PS डिवाइड बाई P0 डिवाइड बाई P0 ये होती है लोअर। ये भी वैल्यू दे रखी है आपको, ये भी वैल्यू दे रखी है, तो हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा पूछ रखा है इन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी आप ईजिली निकाल सकते हो भैया, आप लोगों को P0 - PS भी पता है और P0 भी पता है। P0 - PS पता है आप लोगों को, वो है 0.0614, और P0 भी पता है वो कितना है 17.51 mm। तो आप लोग इस क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे, इसको उधर ले जाओगे, हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी निकलेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो भाई, आप लोगों को P0 - PS डिवाइड बाई P0 पता है, वो किसके बराबर होगा, X2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के।
तो पहले आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल दोगे, फिर उसको वन में से माइनस कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट वाटर आ जाएगा। बस सारी चीज़ें पता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके और आ भी सकते हैं आप लोगों के पेपर में। ठीक है, तो आज आप यहीं तक करो, उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।